नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज़। दिखाते हैं आपको झालावाड़ मंदसौर और रामगंज मंडी क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम खबरें। बात करते हैं सबसे पहले भवानी मंडी क्षेत्र से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। भवानी मंडी थाना क्षेत्र के रामनगर क्षेत्र में 7 जून की रात को 5 सुने मकानों का ताला तोड़कर 3 सुने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक और चोर आरोपी को पुलिस ने मध्य प्रदेश से धर दो पहुंचाया। चोरों ने 3 सुने मकानों में नकदी और सोने चांदी के जेवरात की चोरी करने की वारदात को दिया था अंजाम। इस दौरान नकाबपोश 5 चोर रामनगर स्थित कॉलोनी में एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। चोरी की वारदात के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई थी और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चोरों के हुलियों को लेकर पुलिस ने सड़क मार्ग पर लगे दर्जनों सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें चोर चोरी की वारदात के बाद मध्य प्रदेश की तरफ जाते हुए दिखाई दिए थे और पुलिस ने तकनीकी का उपयोग करते हुए इससे पहले भी 2 चोरों को धर दबोचा था। वहीं आज आरोपी प्रीतम पुत्र रामलाल को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चोरी किया गया सामान, सोने चांदी के गहने, सोने का मंगलसूत्र और 10 नग, सोने के मोती और 5 जोड़ी चांदी की पायजब भी बरामद की। भवानी मंडी पंचायत समिति विधानसभा डक के ग्राम पंचायत मोगरा ग्राम मोगरा में मोगरा का खेड़ा से हथुनिया रास्ता, जिसकी बहुत ही खस्ता हालत है। कई बार पंचायत सरपंच, विधायक, SDM, PWD को कई बार लिखित में शिकायत कर चुके हैं और अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी को लेकर ग्रामवासियों में बड़ा रोष व्याप्त है। मोगरा खेड़ा के गरीब किसानों ने आज चंदा इकट्ठा कर अपने निजी पैसों से श्रमदान करके ग्रेवल डाली और आज किसानों को की गरीबी को सुनने वाला कोई नहीं। जबकि मोगरा का खेड़ा से करीब 50 छात्र मोगरा पढ़ने आते हैं, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल से हैं। हॉस्पिटल, पंचायत मुख्यालय हर काम के लिए मोगरा आना पड़ता है, जो बारिश में रास्ते की खस्ता हालत होते हुए एक छोटे छोटे बच्चे जान जोखिम में डालकर मोगरा स्कूल आते जाते हैं। मिसरौली थाना क्षेत्र में लाइनमैन और ग्रामीण के बीच 2 दिन पूर्व हुई नोकझोंक पर ग्राम ताईखेड़ा के ग्रामीणों ने लाइनमैन के खिलाफ मिसरौली थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि विद्युत संबंधी समस्या को लेकर प्रार्थी ने लाइनमैन से शिकायत की थी, लेकिन लाइनमैन की लापरवाही के चलते विद्युत समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया और ग्रामीणों के साथ मारपीट करने की कोशिश करते हुए उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। उसी के विरोध में सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर पुलिस थाने पहुंचकर लाइनमैन के खिलाफ प्रशासन से SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। वहीं विद्युत विभाग के लाइनमैन ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मेरे द्वारा विद्युत समस्या का समाधान कर वापसी लौटते समय 10 से 12 ग्रामीण और प्रार्थी द्वारा रास्ते में उसकी गाड़ी को रोकते हुए उसके साथ हाथापाई की, और जिस पर लाइनमैन ने थाने पहुंचकर थानाधिकारी से ग्रामीण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा, लेकिन थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। आती है दो घंटा बिजली विभाग के सारे कर्मचारियों का ये आरोप है कि भाई हमारे साथ है ना, हम रास्ते से मैं जा रहा था तो मेरे साथ उन्होंने मारपीट नहीं, उनके साथ मारपीट नहीं करी, वो इनसे गाली गलौज कर रहे थे तो इनको छुड़वाया गया और वो उतारू हो गए थे मारपीट पर इनके साथ, तो इनको छुड़वाया गया। उस DP में फाल्ट वगैरह कुछ नहीं था, वो खुद नहीं चालू करी, उन्होंने बाद में चालू करी, चली रही लाइट, उनकी माता जी बीमार। वो सुबह जब चालू हुई ना तो उसमें वो लाइट वाले ने किसी ने चालू नहीं करी, हमने उसमें नंबर लगाया। और एक बात ये है, आप जाके देख सकते हो, एक बात ये है कि वो 5 बजे मोबाइल बंद कर लेते हैं, शाम फोन नहीं उठाते और पूरी रात भर आपके लाइट आओ मत आओ फोन नहीं उठाते। इनके जो IN है, JN है, XN है, मतलब जो विभाग है, सबका फोन बंद। IN साहब को भी शिकायत करी हमने, उस दिन IN साहब को शिकायत करी थी, इसीलिए वो IN साहब ने भेजा था, अच्छा IN साहब को बोला था, इसलिए आज थाने में ज्ञापन किसको लेकर अपन आज हम सभी ग्रामीण वासियों ने भी दिया है और एक SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। और सभी गाँव बुढ़ा मालखेड़ा सभी वाले परेशान है, पूरे गाँव के सभी गाँव की रिपोर्ट की कॉपी मुझे अभी करा के दो, आप रिपोर्ट की कॉपी दे दो। क्या नाम है आपका? ये आज बिसरौली थाने में पूरा जो ग्रामीण ताइके खेड़ा के सारे लोग, जनप्रतिनिधि, सभी लोग, गांव के लोग आए, क्या मामला है पूरा? ये मामला ऐसा है कि अगर भवन मंडी जो लाइट फिट रहे वहाँ से पावर हाउस है, सॉरी वहाँ से ताइके खेड़ा मालखेड़ा धन जी खेड़ी यहाँ से भी लेके लाइट गया जी, तो वहाँ क्या है कि 4-5 दिन से फॉल्ट चल रही है, तो वहाँ नवल सिंह जी हमारे लाइनमैन जो ताइके थी उनको बोला गया कि सही करो, तो कहते हैं कि आप फॉल्ट ढूंढ लो और मैं शब्दान दिला दूंगा आपको और आप ही सही करूँगा। ये कौन सी बात है, अब लाइनमैन आके सही करेगा तो अपन गांव वाले अपना वो काम करेंगे, ये अपन दूसरा काम करेंगे, अपन अपना काम होता है। ये बात हुई तो उस पर उन्होंने बोला कि तुम सही कर लो, तो
मैं हमको धमकी देते हैं कि तुम्हारा नाम से वोट दर्ज करना। मारपीट हुई उनके साथ उनका आरोप? नहीं नहीं, ऐसी कोई मारपीट नहीं हुई। ऐसा हुआ मामला ऐसा हुआ कि ये हैं भारत, ये मई के निवासी हैं, इनके साथ में मारपीट इनके साथ में उन्होंने करी है और इनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। एससी के जबरन डीपी का तार काट रहे थे और ये इनके घर ये बंद कराने के लिए गए थे। आप बताओ, ये बंद कराने के लिए गए थे? कई बार राजी कर तार काट रहा था। अच्छा, कौन काट रहा था? लाइनमैन था। अच्छा, फिर मैं गया जो मेरे को गाली देने लगे। क्यों गाली क्यों देने लगे आपको? कि तेरे क्या काम है, मैं तो काटूंगा नहीं। क्या बोला आपको गाली? चमालडा में लाइनमैन के पद से कार्यरत हूँ। उस दिन 26 तारीख को मैं दिन में उनकी सप्लाई 12 बजे चालू करके आ गया था और शाम को फिर फॉल्ट हुई तो AN साहब ने मुझे 2 FRT कर्मचारी के साथ फॉल्ट निकालने के लिए रात को वही ताईखेड़ा भेजा। तो मैं वहाँ लगभग 10 से 10:30 बजे सप्लाई चालू करवा के फिर वापस रास्ते में वापस आ रहे थे। तो ताईखेड़ा के निवासी कालू सिंह शिव सिंह उन्होंने आके रास्ते में FRT गाड़ी भी रोक ली, गाड़ी बंद करवा दी और मुझे नीचे उतारा और कर्मचारी को नीचे उतारा, मारपीट चालू। मारपीट किस कारण से की? कोई कारण है मारपीट का? कारण उनका था कि डिक्की के सिंगल वे ट्रांसफर फॉल्ट था 25 तारीख को, तो उस दिन तो मैं सप्लाई चालू नहीं करवा पाया कि सप्लाई रात को 9-10 बजे फॉल्ट हुई सिंगल वे की। मैंने दूसरे दिन सभी सारे को दोपहर को 12 बजे चालू करवा दी थी, मामला हो गया फॉल्ट, बस उन्होंने वही तो मेरी सप्लाई की था। अच्छा, मारपीट कैसे की आपके साथ? हाँ था भाई। और कौन था आपके उनके साथ? और कौन कौन था? 10-12 लोग थे, उनको तो मैं नहीं जानता, और मेरे FRT कर्मचारी गणेश और एक और दिनेश, दिनेश नाम दोनों था। आज आप मिश्रोली थाने में आए थे तो थानेदार जी ने क्या बोला? क्या कल से FIL दर्ज करवाने के लिए यहाँ घूम रहे, 2 बजे से यहाँ वहाँ घुमा रहे। ठीक है, हम कर देंगे दर्ज, अभी तक दर्ज नहीं हुआ। अभी कॉपी भी मांगी तो कॉपी भी नहीं दे रहे। अच्छा, क्या बोल रहे हैं कॉपी के बारे में? आपको समझा बोले मंडी डिप्टी साहब से बात। क्यों कॉपी नहीं मिली? ये बोला? हाँ ये बोला। अच्छा, और अगर ये मामला ऐसे ही चलता रहा तो आप आगे क्या एक्शन लोगे, आप सभी बिजली विभाग कर्मचारी? अगर ये प्रशासन हमारे साथ सहयोग नहीं करेगा तो हम सारे एरिया की सप्लाई बंद करके टूल डाउन करके बैठ जाएंगे और किधर की भी सप्लाई नहीं देखेंगे। जिसने आपके साथ मारपीट की उसको पुलिस ने डिटेन किया कि नहीं किया? वो अभी हमने दबाव डाला सबसे, सब कर्मचारी भाई इकट्ठे हुए और सप्लाई बंद करने की वो दी जब इन्होंने पकड़ के लाए और अभी डाला है, बुलाया। FIR दर्ज नहीं की। फ्लावर क्षेत्र के सरखेड़ी ग्राम पंचायत के बोलियाबारी गांव में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट और सरखेड़ी सरपंच ईश्वर सिंह सम्राट की अगुवाई में मनरेगा योजना में चारागाह विकास कार्य के तहत वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान सरपंच ईश्वर सिंह ने मनरेगा मजदूरों के साथ मिलकर विभिन्न प्रजातियों जैसे लीम, जामुन, करंच, चरेल, कनेर आदि फलदार और छायादार वृक्षों को अलग अलग कतार से लगवाया और साथ ही उन्होंने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया तथा जीवन में वृक्षों के महत्व को समझाया। फ्लावर तहसील क्षेत्र के सेमली चौहान गांव में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पोलियो दिवस पर रविवार को 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के नन्हालों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। सेमली चौहान में ग्राम के जनप्रतिनिधि रामलाल द्वारा छोटे बालकों को दवा पिलाकर पोलियो दिवस की शुरुआत की है। पोलियो बूथ पर JNM पुष्पा कुमारी, आशा सहयोगी मांगी भाई, समाज सेवी प्रेम सिंह परमार ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का सहयोग किया। चौमेला गंगदार थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। आयोजित बैठक की अध्यक्षता पुलिस उपाधीक्षक ने की और बैठक में 1 जुलाई से लागू किए जा रहे नई न्याय संहिता के बारे में चर्चा की गई। बैठक में थाना अध्यक्ष ने भी बैठक को संबोधित किया। वहीं उपस्थित सदस्यों ने अपील की कि आम जनता नए कानूनों का प्रचार प्रसार करें और जागरूकता बढ़ाए। बैठक में जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। झालावाड़ में राष्ट्रीय प्लस पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ हीरा कंवर जनना चिकित्सालय से जिला प्रमुख प्रेम भाई दांगी, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शंभू दयाल मीणा, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष संजय जैन, पूर्व उप जिला प्रमुख भागचंद दांगी, उप सभापति नगर परिषद प्रदीप सिंह राजावत, मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन दादबाई, दीपेश भार्गव के आदित्य में सम्पन्न हुआ। झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से पैदल मार्च निकालकर शहीद निर्भय सिंह सर्किल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला जलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की। PCC सदस्य सैयद इमरान अली ने कहा कि मंत्री दिलावर की ओर से दिया गया आदिवासी समाज के खिलाफ बयान बेहद घटिया है। सरकार बिजली पानी जैसी समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है। झालावाड़ जिले में बिजली की कटौती हो रही है और ग्रामीण क्षेत्र में पानी की भी गंभीर समस्या है। सरकार नीट परीक्षा में धांधली जैसे मुद्दों को
ध्यान भटकाने के लिए मंत्री हल्की बयानबाजी कर रहे हैं। पार्षद अंजना बेरवा ने कहा कि मदन दिलावर ने आदिवासी समाज के बारे में जो टिप्पणी की है वो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। मंत्री अपने विभाग का काम तो ठीक से ही नहीं कर पा रहे। उन्होंने आदिवासी महिलाओं के पर टिप्पणी करते उन्होंने कहा इनका बाप कौन है। मैं पूछना चाहती हूँ मदन दिलावर से कि उनका बाप कौन है। वो अपना डीएनए कराएं पहले। वो नीट पे नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी पे नहीं बोलते हैं, वो लाइट व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है अभी उस पर नहीं बोलते। इसी मुँह में हमेशा उनको आदिवासी महिलाओं पर अब सब लगा। मैं चित्र कड़ी निंदा करती हूँ। जो उन्होंने कुछ दिन पहले आदिवासियों पे बोला गया था कि आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते और वो कहते हैं कि उनका आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं मानते, उन्हें यही पता नहीं अपना बाप कौन है। तो मदन दिलावर कौन होता है कहने वाला कि उनका बाप कौन है। पहले वो अपना डीएनए टेस्ट करा के वो बताए कि उसका बाप कौन है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मदन दिलावर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने आदिवासियों को लेकर बयान दिया कि आदिवासी समाज के ऊपर बड़ी टिप्पणी होने लगी कि आदिवासी समाज का बाप कौन है। यह टिप्पणी राजस्थान सरकार ने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से सरकारों में बर्खास्त करें क्योंकि ये आदिवासियों के सम्मान की और उनके मांग की बात है। मदन दिलावर लगातार इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं। पहले कार्यक्रम ऐसी कई टिप्पणियाँ की हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है। वो जब भाषा का ही इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो 5 साल तक जो डिपार्टमेंट उनके पास है उनको कैसे वो चला पाएंगे। इन सब बातों को लेकर आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है मदन दिलावर जी के बयान में। झालावाड़ में राज्य सरकार की पहल और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशानुरूप मानसून के दौरान संपूर्ण झालावाड़ जिले में करीब 14,43,000 पौधे लगाने के लक्ष्य को लेकर रविवार को जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के नेतृत्व में जिला कारागृह झालावाड़ के पीछे वन क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के करीब 1100 पौधा का रोपण किया। जिला कलेक्टर से पूर्व सर्वप्रथम पीपल का पौधा लगाकर शुभारंभ किया। वैसे तो मंडी नगर का बस स्टैंड पहले रेलवे स्टेशन के पास छोटी सी जगह पर चलता था। रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होने से प्रस्तावित बस स्टैंड बनना है वहाँ स्थानांतरित कर दिया था और बस स्टैंड बनाने की घोषणा 5 माह पूर्व की गई थी, परंतु अभी तक बस स्टैंड का कार्य शुरू नहीं किया है। 2 से 3 दिन हुई बारिश से प्रस्तावित बस स्टैंड में पानी भर गया है जिससे आने जाने वाले बसें मेन रोड पर खड़ी रहती है। व्यवस्थित मार्ग होने से जाम की स्थितियां बन जाती है और दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी रहती है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मंदसौर के मुल्तानपुरा में एक अच्छी पहल सामने आई है और यहाँ बीते शुक्रवार को नमाज के बाद मुस्लिम समाजजनों ने निर्णय लिया कि गांव का कोई भी परिवार यदि गोकशी गो तस्करी जैसी घटनाओं में शामिल पाया जाता है तो उसका समाज बहिष्कार करेगा। सभी मुस्लिम समाजजन एक साथ इकट्ठा हुए और निर्णय लिया कि अगर अब गाँव का कोई भी परिवार या सदस्य देश में कहीं भी गो तस्करी गो कक्षी जैसी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है तो पूरा उनका सामाजिक बहिष्कार होगा। बता दें कि इन दिनों मोहन सरकार के एक्शन के बाद मंदसौर पुलिस भी गो तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। कुख्यात तस्करों के खिलाफ NSA जैसी कार्रवाई भी की जा चुकी है, वहीं तस्करों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है। अब इन घटनाओं से लगातार जुड़े रहने वाले मुल्तानपुरा गाँव के सामने आई इस पहल से पुलिस प्रशासन में भी तारीफ की गई। मंदसौर शहर में ऐसे तो कई रसूखदार हैं जो बिना लाइसेंस से ही ब्याज पर रुपए देने का काम करते हैं। इसे सूदखोरी भी कहा जा सकता है। पूर्व में ऐसे सूदखोरी के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाकर कई गरीब लोगों को इन सूदखोरों के चुंगल से मुक्त करवाया था। गरीब या मध्यम वर्ग के परिवार को कभी भी मजदूरी में रुपए की आवश्यकता होती है तो ऐसे सूदखोर उनकी मजदूरी का फायदा उठाने को अधिक ब्याज पर रुपए दे देते हैं। जब व्यक्ति को जरूरत होती है तो उसे कुछ नहीं दिखता और वह जो बोले उसमें हाँ भर देता है। ऐसा ही एक मामला नई आबादी थाना क्षेत्र में आया है जहाँ सीतामऊ फाटक निवासी मोहम्मद वसीम कुरैशी ने व्यवसाय के लिए 6,31,000 रुपये ब्याज पर लिए थे, किंतु उसे ब्याज खोर लोगों ने अधिक रुपये की वसूली करते हुए 10 से 11 लाख के लिए उसके बाद भी वसीम को और रुपए देने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसके बाद उसने नई आबादी पुलिस थाने में शिकायत की तो पुलिस ने बिना ब्याज के धंधा करने को लेकर 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला।
सरस्वती ज्ञान मंदिर राजकीय मान्यता प्राप्त, प्ले ग्रुप 2 8 क्लास प्रवेश प्रारंभ, बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं में 100% रिजल्ट, RD के अंतर्गत 25% निःशुल्क प्रवेश। हमारा पता है श्री राम कॉलोनी नर्मदा ड्रिंकिंग वाटर के पास भवानी मंडी। हमारे मोबाइल नंबर है 9887021274 7014274328। निदेशक कमलेश यादव, प्रधानाचार्य राजेश आचार्य। ब्राइट फेदर पब्लिक स्कूल, ए स्किल एंड एक्टिविटी बेस्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 8। हरी अप, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, बस फैसिलिटी अवेलेबल। शहर के बीच होने से बच्चे की समय की बचत तथा अनावश्यक शारीरिक मानसिक थकान से छुटकारा। पता रामनगर भवानी मंडी। कॉन्टेक्ट अस 9033556728 9079167225। क्या आप बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक चुके हो? क्या दवाया खाते खाते परेशान हो गए हो? आपके शहर रामगंज मंडी में डॉक्टर नवीन नागर, जोड़, लकवा और नस रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की सेवाएं, जिसमें निम्न रोगों का इलाज, कुल्ले का दर्द, लकवा, एड़ी का दर्द, साइटिका, चेहरे का लकवा, गाठिया या रिंगच बाई, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट, कमर व जोड़ों का दर्द। पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शाहजी चौराहा, बाजार नंबर 1, रामगंज मंडी, राजस्थान, जिनका मोबाइल नंबर है 8209952939823837704।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंदू कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंदू के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी भवानी मंडी। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th सेशन 2024-25 बेथल सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम भवानी मंडी द बेस्ट स्कूल विद अ वेरी गुड एजुकेशन सिस्टम आर एडवांसेस क्वालिफाइड टीचर्स को करिकुलर एक्टिविटीज अफोर्डेबल कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट अस 8441812898। ऋषभ गैस सर्विस सभी उपभोक्ताओं को जानकारी मुहैया करा रहा है कि भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं की ईकेवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है। बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में आपकी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है। मेरी बात का ध्यान दें, अभी भी बहुत से कनेक्शन शेष है जिनकी ईकेवाईसी नहीं हुई है, वो तुरंत प्रभाव से अपनी ईकेवाईसी कंप्लीट करवाएं और गैस की सुविधा का लाभ लें। इसमें उज्ज्वला व नॉन उज्ज्वला दोनों गैस कनेक्शन धारियों की ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर नहीं हुई ईकेवाईसी तो नहीं जलेगा गैस का चूल्हा। हमारा मोबाइल नंबर है 7568060310 राजेश सोनी। हमारा मोबाइल नंबर 8058766999 सचिन जैन। 8003950705 नितेश राठौर। हमारा पता ऋषभ गैस सर्विस भवानी मंडी पंचायत समिति के सामने जिला झालावाड़। नमस्कार भारत गैस, मैं सुरेश कुमार जैन ऋषभ गैस सर्विस प्रोपराइटर सभी गैस उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर आप ईकेवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका घर का चूल्हा हो सकता नहीं जले। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि गैस एजेंसी पर आकर बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट या फेस के माध्यम से अपना ईकेवाईसी का सत्यापन करवाएं और अपने मोबाइल नंबर अगर गलत है तो उसको भी नए नंबर पर अपडेट करावें, ताकि जो गैस एजेंसी पर बुकिंग के नंबर जो बदल गए हैं वो अब नए नंबर हैं 77-10-95-55 मिस्ड कॉल बुकिंग पर आप बुक कराकर अपने रसोई गैस घर पर प्राप्त कर सकते हैं। महाकाल जूस एंड कचोरी सेंटर। हमारे यहाँ पाइनएप्पल जूस, मौसमी जूस, मिक जूस, कीवी जूस, चुकंदर जूस, एप्पल जूस, अनार जूस, एप्पल शेक, अनार मिल्क शेक, ब्लड बैंक चुकंदर शेक, मैंगो शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक, बनाना शेक, पपीता शेक, चीकू शेक, मौसमी शेक। हमारे यहाँ सभी प्रकार के शाही शेक और ड्राई फ्रूट शेक भी उपलब्ध है। हमारा पता है श्री महाकाल जूस एंड कचोरी सेंटर, पचपाल रोड, भवानी मंडी। प्रोप्राइटर दीपक कुमार जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420791।
वहीं मोबाइल नंबर मनोज कुमार जैन का 9829485166। मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी, बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों का मुंह तोड़ जवाब। 130 रुपए प्रतिदिन किस पर अपना निजी वाहन पाइए, सबसे ज्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां, लिथियम और ग्राफीन बैटरी के साथ गाड़ियां उपलब्ध, साथ में सभी गाड़ियों की गारंटी। नो पेट्रोल, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन, नो लाइसेंस, कम खर्च में लंबी सवारी। हमारा पता कालेश्वर मंदिर के सामने, तगर चौराया, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर मंसूरी मोटर्स। हमारा फोन नंबर है 8107700989। और हाँ, एक विशेष सूचना, बजाज फाइनेंस 0 पर तो देर ना कीजिए। अगर आपको बैटरी की गाड़ियों की जरूरत है तो आप चले आइए कालेश्वर मंदिर के सामने, मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। एडमिशन ओपन मदर्स लिब अ प्ले स्कूल द फ्यूचर बिगिन सेयर प्री नर्सरी टू यूकेजी। बेनिफिट्स ऑफ आर क्लासेस, स्मॉल क्लासेस साइज, लविंग एंड केयरिंग एनवायरमेंट्स, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स, डेडिकेटेड टीचर्स एंड स्टाफ, स्कूल व्हीकल फैसिलिटी। एड्रेस भावना कुंज नियर हनुमान जी मंदिर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422, 9887267439। नोट, 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। एडमिशन ओपन RBSC अफिलियेशन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम नर्सरी टू 12th संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर। बस फैसिलिटी, इक्विप्ड लेबोरेटरी एंड परफेक्ट कंप्यूटर लैब। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी, भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान। फोन नंबर 8769602008, सरस्वती बाल मंदिर सेकेंडरी स्कूल RBSE एप्लीकेशन भवानी मंडी, जिला झालावाड़। डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी स्किल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सरस्वती बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय भवानी मंडी, जिनका पता है केतड़ी बाजार सिंधी मोहल्ला भवानी मंडी। डायरेक्टर श्याम चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर 8769453609। नेहरूवाल सेकेंडरी एकेडमी एडमिशन ओपन LKG to 10th क्लास हिंदी इंग्लिश मीडियम।
आपका लक्ष्य हमारा मार्गदर्शन, न्यूनतम शुल्क, बेहतर शिक्षा, एक उड़ान सफलता की ओर। आइए आपके बालक बालिकाओं को प्रवेश दिलवाकर अपने बालकों का भविष्य उज्जवल बनाएं। आरटी के तहत 25% निःशुल्क प्रवेश। डायरेक्टर है महेश बालोदिया, MSc नर्सिंग, जिनका मोबाइल नंबर है 9057528185। पता है बाबा चौराहा, पचपाड़, जिला झलावाड़, राजस्थान।